नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। वक्त हो चला है आज के ताजा खबरों का। आइए शुरू करते हैं आज की ताजा खबर। बिजली विभाग की बड़ी कार्यवाही, विद्युत ऊर्जा चोरी कर रहे 15 लोगों पर FIR दर्ज। विद्युत विभाग ने बड़ी कार्यवाही करते हुए चांदन विद्युत कनीय अभियंता राजा राम प्रसाद मानवपल के संयुक्त रूप में टीम गठित कर सोमवार दोपहर के करीब प्रखंड के कुसुम चोरी गांव पहुंचा, जहां विद्युत उपभोक्ता के द्वारा बकाए ऊर्जा बिल भुगतान नहीं की गई थी और सभी उपभोक्ताओं ने अवैध रूप बिजली चोरी कर ऊर्जा खपत कर रहे थे। इसी क्रम में कुसुम चोरी वार्ड नंबर 10 निवासी के एक चंद्रदेव शाह पिता स्वर्गीय फूदन शाह के घर पहुंचा, देखा कि इनके घरेलू आवास पर DL कनेक्शन हो जाने के बावजूद भी विद्युत ऊर्जा चोरी कर खपत कर रही थी, जिससे SBDCL बकाया के साथ कुल 17,945 की ऊर्जा क्षति हुई। इसी क्रम में बसंती देवी पति वासुदेव शाह पर 10,562 और पवन शाह पिता स्वर्गीय लूटन शाह पर 12,124 रुपए, सत्यनारायण शाह पिता स्वर्गीय गणेशा शाह 10,227 और 5 नकुल शाह पिता स्वर्गीय हरी शाह 8,497, रामकिशन शाह पिता स्वर्गीय कार्तिक शाह 6,113 रुपए, गोविंद यादव पिता स्वर्गीय लालजी यादव 10,178 का जुर्माना लगाया गया। वहीं आनंदपुर ओपी क्षेत्र के गोहजोरा निवासी अशोक दास पिता ठाकुरी दास 12,441 रुपए, हरिशंकर दास पिता सहदेव दास 14,922 रुपए, शशिकला देवी पति राजू दास 10,792 रुपए, योगेंद्र दास पिता कटकी दास 10,178, वासुदेव दास पिता पीरो दास 14,371 रुपए, नारायण दास पिता हृदय दास 10,178 रुपए, डोलो दास पिता की खीजो दास 6,113 रुपए। वहीं चिंता देवी पति बीरबल रावत को कुल मिलाकर 10,676 का विद्युत ऊर्जा खपत की क्षति का मामला दर्ज किया गया। इस मामले में ओपी अध्यक्ष जितेंद्र कुमार को उपरोक्त सभी 15 व्यक्तियों पर विद्युत अधिनियम 2003 के तहत धारा 135 का मामला दर्ज कराया गया। इस मौके पर टीम में शामिल कनीय विद्युत अभियंता राजा राम प्रसाद के साथ मानव दल खूब लाल यादव, भोला शर्मा यादव इत्यादि लोग मौजूद थे। लाइव टीवी समाचार के लिए उमाकांत शाह की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं ऐसी ही तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें।